हेलो हेलो गाइस, दिवाली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, तो गाइस ये मेरा दिवाली ब्लॉग है। मैंने कैसी तैयारी की जरूर देखिएगा। तो आपका बंदा ब्लॉग्स में सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा सबसे पहले आप सभी को। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं सबसे पहले शाम को रंगोली बनाई, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तैयारी। तो इसलिए मैं एक दिन पहले से स्टार्ट कर दी थी पूजा वाला मंदिर, फिर पूजा नहीं करनी थी फिलहाल, तो फिर भी मैंने तैयारी की। और आकाश भी यहाँ पर पूरी मदद कर रहा है। तो ये शाम की तैयारी करने के बाद फिर हम लोग सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले घर के बाहर वाले एरिया में बनाया, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा आते जाते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बड़ी सी रंगोली बनाई है, काफ़ी बड़ी बना दी थी, मतलब थोड़ा टाइम लगा था बनाने में। छोटी सी रहती है तो टाइम नहीं लगता है, बड़ी रहती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आकर्ष आयुष थोड़ी बहुत मदद कराए हैं, इसके बाद वो लोग ऊपर चले गए थे और मैं यहाँ पर अकेले ही सुबह सुबह बना रही थी रंगोली। और मुझे रंगोली बनाते बनाते 2.5 घंटा लग गए थे ये रंगोली को बनाने में। फिर इसके बाद मैंने ऊपर गया, काम वाम किया, बहुत लेट हो गया। गाइस आप लोगों ने कैसा दिवाली सेलिब्रेट की, रंगोली बनाई? तो आप लोगों को भी हैप्पी दिवाली सभी को। और ये मैंने फूल की रंगोली, अब मैं घर डेकोरेट करूँगी। तो ये बच्चे यहाँ डेकोरेट कर रहे हैं, भगवान पूजा तो करनी नहीं है, तो भगवान के मंदिर के सामने दीपक जलाई थी मैं। और इसके बाद मैंने पूरा घर डेकोरेट किया, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि लेट हो रहा था। दिवाली के दिन शाम होने वाली थी और दिया जलाने थे। तो यहाँ पे शाम का मेरा खाना बन गया है, अब मैं जा रही हूँ फाइनली रेडी होने। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कलर है, मुझे कलर बहुत पसंद आया और एकदम सिंपल सोवर सूट है। तो अभी आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। तो सूट कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मैं इसके साथ झुमका पहनने वाली हूँ। हाँ, तो अब आपको फाइनल लुक देखने को मिलेगा। गाइस आप न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और ये है मेरा फाइनल लुक, फाइनल लुक तो नहीं है अभी, फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी आदत है कि मैं सिंपल जब रहती हूँ ऐसे हेयर स्टाइल करती हूँ तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ। और ये मेरा फाइनल लुक है, क्योंकि मैं सूट पहनी थी तो मैं सोची थोड़ी पंजाबी लुक कर लेती हूँ, झुमक गले में और चोटी ऐसे रहता है ना पंजाबी लुक, ऐसे ज़्यादा लोग करते हैं वो लोग पंजाबियों में। तो ये शाम का टाइम है तो मैं ये दीपक जलाई हूँ। दीपक तो वैसे मेरे घर में सब जगह जल चुके हैं, पर ये रंगोली में दीपक जलाने के लिए मैंने बना के रखा हुआ था। तो मैं रंगोली में दीपक रखूँगी। और इसके बाद अभी हम लोग पटाखे क्रैकर्स वगैरह सब छुटाएंगे बच्चों के साथ, बच्चे भी बाहर पटाखे फोड़ ही रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर वीडियो जरूर पूरा देखिए। अगर मेरे छोटू भी फिलहाल पटाखे फोड़ रहा है, बहुत खुशी हो रही है उसको भी, सारे पटाखे फोड़ पा रहा है अच्छे से। और अच्छे तरीके से हम लोगों ने दिवाली मनाई। आप लोगों की दिवाली कैसी जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे नंबर वाई नंबर सभी पटाखे छुटाए फिर। और ये यहाँ पे मैंने मोमबत्ती लगाई थी, और मोमबत्ती लगाने के बाद मैं भी पटाखा छुटाऊंगी। भगो 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 तो डर तो लगता ही है थोड़ा सा गाइस, है ना? आप लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं ये बताइए कमेंट में। और आप हैप्पी दिवाली जरूर विश करिएगा। अभी दिवाली तो एकादशी तक है, एकादशी को भी मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, उसका ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। पर प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग का सपोर्ट के बिना बंदा ब्लॉग चैनल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो पूजा तो हमारी लक्ष्मी गणेश की नहीं हुई है, बट मैंने रूम थोड़ा सजा दिया था अपना पूजा वाला, क्योंकि हमारे यहाँ शोर हो गई थी इसीलिए पूजा नहीं हुई थी। आपके मन में चल रहा हो रहा होगा कि पूजा क्यों नहीं कर रही हैं भाभी दीदी, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ छत में दीपक रखने। और फाइनली खाने का टाइम, ये देखो कितना बज रहा है, 11 बजे। 11 बजे इन लोग का खाना हो रहा है। इतना ज़्यादा कितना पटाखा छुटाया हो, बहुत पटाखा छुटाए हैं लोग। और 11 बजे अब खाना खा रहे हैं, और इन लोग को नींद आ रही है आँख से बता रहा है कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। बस खाना खा लो, भूख लगी है कि नहीं, भूख लगी है नहीं, बोल रहा है देखो दिखा रहा है, बताएगा नहीं सबको दिखाएगा। तो हम लोग भी जा रहे हैं अब खाना खाने, दोनों को दोनों भाई दिखा रहे हैं। ये हमारे मिस्टर जी खाना खाएंगे, भूख लगी है भाई, बहुत ही बदमाश बच्चे हैं। पर तो यहाँ पे मैं बच्चों को मीठा खिला रही हूँ खाने में, टेबल में। शाम के टाइम मीठा नहीं खाए थे तो खाने में मैंने मीठा रखा था। थैंक यू, हैप्पी दिवाली तो बोल दो, सेम टू यू, सेम टू यू, थैंक यू। खा जाओ पूरा खा जाओ और खाओ।
ओके गाइस, तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं। सबको भूख भी बहुत तेज़ से लगी हुई है। अभी बस सोने का तो टाइम बहुत बाकी है, पता नहीं कब सोते हैं, तो वही 1:30-2 बज जाएगा सोने में। और यहाँ मैं बच्चे सो गए हैं, तो यहाँ पर मैं खा रहे हैं पूरी अनारदाने, तो हमारे यहाँ पर रील्स बन रहे हैं। तो अभी मैंने रील कभी शेयर नहीं की है कहीं पर भी, अभी बची हुई है मेरी रील शेयर करने के लिए। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरी प्यारी सी सोर सी फैमिली है, और मैंने ऐसी दिवाली मनाई, आप लोगों ने कैसे मनाई ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।